अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था, इसमें हमने 12 टाइप्स पढ़ ली थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं। तो अगर वहाँ से भी ना समझ आ रही हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं कि फाइंड दी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? आपने डेफिनेशन देख लो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम अब ट्रांसपोज निकालते हैं। हम कोई ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट्स सपोज वो ए है। ए इज इक्वल टू कोई सा भी क्वेश्चन, इसका रो और कॉलम अगर चेंज हो, टी ले लेते हैं, 3 रो और 2 कॉलम है, 2, 6, 5, 8, 0। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? इसका इसके लिए डिनोट करते हैं, ठीक है, ए और साथ में स्मॉल टी, ए टी से इसको डिनोट किया जाता है। और ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या होता है? आपने रोज को कॉलम में चेंज करना है। सिंपल आपने यही करना है, जिस क्वेश्चन में भी इस तरीके से आ जाए कि फाइनली ट्रांसपोज, तो आपने इसी तरीके से करना है कि उसके रोज को आपने कॉलम में चेंज करना, चाहे वो उसकी कितनी भी रोज हो, कितनी ही कॉलम हो। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। एक ऐसा हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 2+2 का, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, 0 एंड 5, ए ट्रांसपोज और फिर इसी का ट्रांसपोज अगर हम ले लें, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर इक्वल हो जाए ए के, ठीक है, तो हम ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये वेरीफाई हम कैसे करेंगे? इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। किस अगर हम ए का जो ये वाला जो मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, उसका फिर से ट्रांसपोज लें, तो वो ए के इक्वल आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? इसका ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, आपने रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। तो इसके कितने 2 रो हैं और 2 कॉलम, तो ये भी 2 रो 2 कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट जो रो है 1 2 है, तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 एंड 2। जो सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर लेंगे, 0 0 5 है, तो ये इस तरीके से 0 5 इस तरीके से आ जाएगा। ये निकला है ए ट्रांसपोज। अगर इसी ए ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इसको किस अगर हम ट्रांसपोज ले लें इजली इज इक्वल टू, मतलब इसका हम ट्रांसपोज ले लें यहाँ पे, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका इसको हम ट्रांसपोज के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। कैसे करेंगे? आप देखें, आप इसका ट्रांसपोज लेना है तो जो 1 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, और इसका जो सेकंड रो है वो तो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2 एंड 5। और अगर देखा जाए तो ये वाला और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल आ गए हैं। इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि ये वाला जो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है, ये इक्वल आ गया है ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो है ट्रांसपोज देना आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई, और किसमें से किसी भी चीज़ की किसी भी स्टेप की समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।